चलिए दोस्तों, आज हमारे पास आ चुका है और एक स्टाइलिश मोबाइल फ़ोन Realme की तरफ से, एंड ये है Realme C51। और जो इसका प्राइस है ये आपको पता चल गया होगा, आफ्टर डिस्काउंट के बाद में 8,499 रुपीज़ में मिलता है, मतलब 8,500 रुपये में। और जो फीचर्स है, काफ़ी सारे इसमें अमेजिंग फीचर्स दिए गए हैं और ये मोबाइल फ़ोन को हमने ऑर्डर करके मंगाए ताकि आपको पता चले अगर आप ये मोबाइल फ़ोन को लेना चाहते हो तो आपके लिए कैसा रहेगा। और बहुत ही कम टाइम में सारी चीज़ें आपको ये वीडियो में पता चल जाएगी, तो यहाँ पे बिना टाइम वेस्ट की वीडियो को शुरू करते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो यहाँ पे सबसे पहले बॉक्स में आपको क्या क्या चीजें देखने को मिलती है ये मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। जैसे अभी यहाँ पे बॉक्स को ओपन करोगे और एक आपको बॉक्स मिलता है, उसमें आपको मिलेगा एक सेपरेट सिम इजेक्टेड टूल पिन, कुछ पेपर वर्क है, आप चाहे तो रीड कर सकते हैं। उसी के साथ में आपको एक ट्रांसपेरेंट सिलिकॉन पैकेज कवर मिलता है, क्वालिटी आपको अच्छे से मिल जाएगी। फिर आता है हमारा मोबाइल फोन, इसकी हम फुल डिटेल में बात करेंगे। और आपको मिलता है 33 वाट का फास्ट चार्जिंग एडाप्टर विथ टाइप सी चार्जिंग केबल के साथ में। तो चलिए अब मोबाइल फोन की बात करते हैं। फर्स्ट हम यहाँ पे इसे कवर से बाहर निकाल लेंगे। अगर आप इसकी बिल्ड क्वालिटी डिज़ाइन को देखते हो, जो डिज़ाइन है ना ये सिमिलर है Realme C55 और C53 को लेकर, बट जो कलर है ये डिफरेंट है। इसमें आपको मिंट ग्रीन कलर मिलता है और एक आपको ब्लैक कलर मिलेगा, जो आपको कलर अच्छा लगता हो वो आप परचेस कर सकते हैं। अगर आप पीछे बैक साइड का डिज़ाइन देखोगे, नीचे आपको मैट फिनिशिंग दी गई है और ऊपर आपको ग्लास टाइप की ग्लॉसी फिनिश मिलती है। अगर आप सोचते हो कि इसमें आपको ट्रिपल कैमरा है, तो इसमें आपको सिर्फ दो ही कैमरे देखने को मिलेंगे। एंड अगर आप इसे लाइटनिंग एरिया में देखते हो, जो डिजाइन है ना ये बहुत ही अच्छा दिखता है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि ये 10,000 रुपए के अंदर का मोबाइल फोन है। और एक चीज आपको ये भी बोल दूं, आपको इसमें आईफोन की फीलिंग आएगी डिजाइन को लेकर। सो ओवरऑल जो बिल्ड क्वालिटी डिजाइन है ना ये आपको अच्छे से मिल जाती है। और ये भी मैं आपको बोल दूं, स्लिम है, 7.9 mm की थिकनेस पे आता है। और उसी के साथ में पोर्ट्स एंड बटन्स की बात करते हैं, क्या क्या चीजें आपको फोन में कहां पे दी गई। अगर आप फोन के राइट साइड में देखते हो, आपको एक पावर की मिलती है और उसी में साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर, और ऊपर आपको वॉल्यूम अप एंड डाउन के कीज मिल जाएंगे। नीचे की साइड में अगर आप देखते हो, आपको मिलता है सिर्फ एक ही स्पीकर, सेंटर में टाइप सी का चार्जिंग पोर्ट और उसी के बाजू में प्राइमरी माइक्रोफोन एंड 3.5 mm का आपको हेडफोन जैक भी मिल जाता है। लेफ्ट साइड में आपको सिर्फ सिम ट्रे का ऑप्शन मिलता है, जहाँ पे ट्रिपल कार्ड स्लॉट है, जिसमें आप 2 SIM + 1 मेमोरी कार्ड चूज कर सकते हैं। अब डिस्प्ले की बात करते हैं। Realme C51 में आपको 6.74 इंचेस की एक HD IPS डिस्प्ले मिलती है, जहाँ एक HD डिस्प्ले, फुल HD प्लस की आपको डिस्प्ले नहीं मिलती है। बट अगर आप यहाँ पे प्राइस के हिसाब से देखते हो, आपको एक अच्छी सी डिस्प्ले मिल जाएगी। साइड के बजल्स अगर आप देखते हो कम मिलेंगे, बट जो चिन साइज है ये आपको एवरेज मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो 90% है। ब्राइटनेस जो है ना इसमें आपको 450 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिलती है। इंडोर में आपको एक ब्राइटेस्ट डिस्प्ले मिल जाएगी, बट आउटडोर में डिसेंट से आपको ब्राइटनेस देखने को मिलती है। उसी के साथ में पंच होल डिस्प्ले है, आपको इसमें मिनी कैप्सूल का फीचर भी दिया गया है, जहाँ पर अगर आप चार्जिंग पे फोन को लगाओगे आपको मिनी कैप्सूल डिस्प्ले में देखने को मिलेगा। बस इतना ही नहीं, आपको इसमें 90Hz की हायर स्क्रीन रिफ्रेश रेट दी गई है, जिसके थ्रू जो डिस्प्ले का परफॉर्मेंस है थोड़ा सा आपको स्मूथ मिल जाएगा। नॉर्मल टच सैम्पलिंग रेट है 180Hz का, जहाँ पर आप नॉर्मली एप्स को ओपन क्लोज कर सकते हैं, ज़्यादा आपको लैगी फील नहीं होगा, स्मूथनेस आपको डिस्प्ले में मिल जाएगी। एंड अगर आप सॉफ्टवेयर की बात करते हो, Realme C51 में आपको Realme UI वर्जन T एडिशन मिलता है, जो कि Android वर्जन 13 पे बेस्ड है। उसी के साथ में RAM एक्सपेंशन सपोर्ट भी आपको मिल जाता है, जहाँ पे आप 4GB तक RAM को एक्सपेंड भी कर सकते हैं। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ये भी बोल दूँ, ये मोबाइल फोन में आपको ब्लूटवेयर देखने को मिल जाएंगे, मतलब प्री इंस्टॉल एप्लीकेशंस आपको मिल जाते हैं। अगर आपको अनइंस्टॉल करना है प्री इंस्टॉल एप्लीकेशंस, आपको ऐप इन्फो में जाके अनइंस्टॉल करना पड़ेगा, तो थोड़े बहुत आपको यहाँ पे प्री इंस्टॉल एप्लीकेशन में मोबाइल फोन में मिल जाएंगे। अब बात करते हैं मेन इंपॉर्टेंट कैमरे की, तो इसमें आपको 50MP का प्राइमरी कैमरा मिलता है, फ्रंट में आपको 5MP का मिलता है। कैमरा फीचर्स में अगर आप देखते हो, डेडिकेटेड नाइट मोड मिलता है और वीडियो आप 30fps पे रिकॉर्ड कर सकते हैं। फोटो का ऑप्शन है, पोर्ट्रेट मोड है, मोड में आपको टाइम लैप्स स्लो मोशन भी आप इसमें ले सकते हैं। यहाँ पे आप देखिए, मैंने कुछ फोटोज़ लिए और मैं आपको बताऊँगा फोटोज़ किस तरह के आपको मिल जाते हैं। फोटोज़ क्वालिटी अच्छी है, 50MP के प्राइमरी कैमरे से अच्छे फोटोज़ आपको मिल जाते हैं। और ये भी मैं आपको बोल दूँ, फोटोज़ आपको अच्छे मिलेंगे, जो आप सोशल मीडिया पर शेयर कर सकते हैं या फिर प्रोफाइल फोटो रख सकते हैं, उस तरह के फोटोज़ मिलेंगे। डिसेंट सा कैमरा है, देखिए अंडर 10,000 में आता है, अच्छे फोटोज़ आपको इसमें निकल जाएंगे। पिक्चर क्वालिटी मुझे अच्छी लगी, कलर
शार्पनेस अच्छे है, बोलूंगा कि नॉर्मल है, डिसेंट कैमरा है। अगर आप लाइटनिंग रे में फोटोज लेते हो, फोटोज काफी अच्छे निकल कर आते हैं। अगर आप लो लाइट में फोटोज लेते हो तो डेडिकेटेड नाइट मोड को यूज कीजिए, वो थोड़ा सा इनहेंस करके फोटो को अच्छी कर देगा। और जो 5 मेगापिक्सल की सेल्फी, ये भी आपको डिसेंट सी मिलती है, जिसमें आप नॉर्मल फोटोज ले सकते हैं। और अगर आप जानना चाहते हो कि रियलमी C51 में कैसी गेमिंग रहेगी, मतलब आप BGMI कैसे खेल सकते हैं, तो इसमें आपको यूनिसॉक T612 का एक अच्छा प्रोसेसर मिलता है, जिसमें आप सिर्फ नॉर्मल गेमिंग अच्छे से कर सकते हैं। और आपको तो बताइए, गेमिंग को लेकर एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा, जहां पे आपको सारी गेमिंग की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि कैसे आपको BGMI ग्राफिक्स मिलती है और परफॉर्मेंस आपको कैसा मिलेगा। और जो बैटरी है ना, ये आपको 5000mAh की दी गई है, अच्छा सा बैटरी बैकअप है, कोई इशू नहीं है। बट इंपॉर्टेंट ये है कि फास्ट चार्जिंग आपको देखने को मिल जाएगी, सिर्फ 18W की नहीं है, 33W की इसमें फास्ट चार्जिंग है, मतलब आप बहुत ही फास्ट ये मोबाइल फोन को चार्ज कर सकते हैं इस प्राइस सेगमेंट में। जी हाँ, तो फास्ट चार्जिंग आपको इसमें देखने को मिल जाएगी। और मैं ट्राई करूंगा कि एक छोटा सा शॉर्ट बना दूं कि कितने टाइम में ये फुल्ली फोन चार्ज होता है। और एक चीज मैं आपको यहाँ पे बोलना भूल गया, ये मोबाइल फोन में आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता है, जस्ट आप फिंगर को प्लेस करके फोन का अनलॉक कर सकते हैं। ओवरऑल अगर आप मेरे ओपिनियन की बात करते हो रियलमी C51 के रिगार्डिंग, तो मैं आपको बोल दूं, डिसेंट सा मोबाइल फोन है। अगर आप नॉर्मल यूजेज के लिए एक अच्छे से लुक का मोबाइल फोन देख रहे हो, बड़ी डिस्प्ले आपको चाहिए और नॉर्मल सी गेमिंग भी आप कर सकते हैं, कैमरा आपको 50 megapixel का मिल जाता है। सो अगर आप नॉर्मल यूजेज के लिए मोबाइल फोन को देख रहे हो, डेफिनेटली आप रियलमी C51 को परचेज कर सकते हैं। और इसके रिगार्डिंग कोई भी आपका क्वेश्चन नीचे आप कमेंट के थ्रू कर सकते हैं, वहां पे मैं आपको आंसर दे दूंगा। वीडियो आपको पसंद आती है, लाइक कीजिए, और कुछ इस तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।